भारतीय भवन निर्माण व मजदूर यूनियन का 10वां स्थापना दिवस गोलघर स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभागार में केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर इंजीनियर सतीश सिंह ने कहा कि मजदूर साथियों को मालिक के बीच में समन्वय स्थापित कर कार्य करना चाहिए तथा कार्य के दौरान पूरे कार्य का मूल्य लिखित रूप से देकर मालिक को संतुष्ट करने के बाद कार्य करना चाहिए। इससे मालिक और मजदूर के बीच का विवाद काफी हद तक कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हर सामान का रेट निर्धारित है, उसी तरह से असंगठित श्रमिकों को भी अपने रेट का निर्धारण करना चाहिए और कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर मजदूरों के शोषण में कमी लाई जा सकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उमा शंकर सिंह ने कहा कि भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन अकेला एक ऐसा संगठन है जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे असंगठित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवसर पर ध्रुव कुमार मल, अब्दुल कादिर, जाकिर अली, कंचन चौहान, रामजी कुंदन शर्मा, दीपक शर्मा, मोहम्मद अब्बासी, महेंद्र गौड़, रामानंद, राम केवल, रविंद्र यादव, धर्मेंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंजीनियर सतीश सिंह ने कहा, अभी हमारे मुख शुरुआत करेंगे मुख केक काट करके। और हमारे प्रिय साथियों, आदर्श स्थान है, हमारे समस्त श्रमिक बंधु कड़ी धूप में, कड़कड़ाती ठंड में और बरसात में कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए हम सभी लोगों में मानवीय गुणों अनागामी करने लगते हैं। श्रमिक बंधुओं की आवश्यकताओं एवं जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए एवं हो रहे अन्याय एवं उपेक्षा को दूर करने के लिए होना चाहिए, यह मेरा एवं हम सबका दायित्व है। साथ ही साथ मैं अपने समस्त श्रमिकों एवं कर्मचारियों बंधुओं को से यह भी कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को अपने संगठन की कार्य संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। इंजीनियर सतीश सिंह, आज जो है गोरखपुर के सम्मानित जो हमारे ठेकेदार जो मिस्त्री लेबर जो है, इनका आज 10वां सालगिरह है और हम इन्हें उम्मीद करते हैं इसी तरह से अपना कार्यक्रम करते रहें। लेकिन एक रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं भी कभी मजदूर था, फिर मिस्त्री बना, ठेकेदार बना, कॉन्ट्रेक्टर बना, इंजीनियर बना, सभी मुझे अनुभव है। यही लेबर मिस्त्री चाहे ठेकेदार एक मकान का अगर सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो सीलन नहीं आता है, लेकिन यही लोग अगर मकान बनाते हैं अगर बारिश होती है सीलन आता है। आज इसी संदर्भ में इन लोग को मैं ज्ञान भी दूंगा, कहूंगा संगठन से कुछ होता नहीं है, काम के प्रति वफादारी होनी चाहिए। जब हम काम के प्रति वफादार हो जाएंगे, एक तीसरा कैमरा हमको देख रहा है, वो खुद हमारे मदद करेगा, हमको आगे बढ़ने मदद करेगा।